प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिनों में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का दूसरा दौरा कर रहे हैं और विधानसभा चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी का यह दौरा काफी बेहद अहम जो है माना जा रहा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी समेत बीजेपी हाईकमान की हिमाचल में बढ़ती सक्रियता साफ इशारा कर रही है कि पार्टी पूरी मजबूती और ताकत के साथ चुनावी जंग लड़ेगी। और इससे पहले आज पीएम मोदी के ऊना रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसके बाद ब्लड ड्रग फार्मा पार्क का शिलान्यास और ट्रिपल आईटी का ऑनलाइन लोकार्पण किया गया। और इस बीच पीएम मोदी ने मंच से कहा कि आज का नया भारत पुरानी सारी चुनौतियों पर तेजी से काम कर रहा है। जो सुविधाएं पिछली शताब्दी में ही लोगों तक पहुंच जानी चाहिए थी वो अब लोगों को मिल रही हैं और हम सिर्फ लोगों की 20वीं सदी की जरूरतों को ही पूरा नहीं कर रहे बल्कि 21वीं सदी की आधुनिक सुविधाएं भी हिमाचल के घर घर ले जा रहे हैं। इसीलिए आज हिमाचल के विकास के लिए अभूतपूर्व काम हो रहे हैं। आज एक तरफ जहां हिमाचल में दुगनी गति से ग्रामीण सड़कें बनाई जा रही हैं, वहीं तेजी से ग्राम पंचायतों तक कनेक्टिविटी भी पहुंचाई जा रही है। और 40 साल पहले एक छोटी सी रेल लाइन पर दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने मुहर लगा दी और फाइनल कर दिया कि और इस पर हस्ताक्षर कर दिया और चुनाव आने पर लोगों की आंखों में धूल झोंककर वोट भी बटोर लिए, लेकिन जमीन पर एक रत्ती भर भी काम नहीं हुआ। और एक तरफ जहां हिमाचल में हजारों शौचालय बनाए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ गांव-गांव में बिजली व्यवस्था भी सुधारी जा रही है। आज अगर कई परिवार आपको मिलेंगे हिंदुस्तान के हर कोने में मिलेंगी, जिनका मन करेगा एयरपोर्ट जाके हवाई जहाज देखे, बैठने का विचार तो बाद में, वैसे हिमाचल में पहाड़ों में रहने वाले लोगों के लिए अगर आप पूछोगे तो दो दो तीन तीन चार चार पीढ़ियां जीवित जो होंगे, उन्होंने न कभी ट्रेन देखी होगी न कभी ट्रेन के अंदर सवारी की होगी। आजादी के 75 साल के बाद भी ऐसी स्थितियां रही हैं। आज हिमाचल में सिर्फ ट्रेन नहीं, हिंदुस्तान की सबसे आधुनिक ट्रेन आके खड़ी हो गई भाई, और यहां से चल पड़ी। आज ही हिमाचल की अपनी ट्रिपल आईटी की संस्था शाही बिल्डिंग, इसका भी लोकार्पण हुआ है। प्रोजेक्ट इस बात की झांकी है कि डबल इंजन की सरकार हिमाचल को किस बुलंदी पर देखना चाहती है। ये प्रोजेक्ट विशेष रूप से हिमाचल की नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी के सपनों को नए पंख देने वाले हैं। ऊना को, हिमाचल प्रदेश को इन प्रोजेक्ट्स के लिए आपको लाख लाख बधाइयां। साथियों, हम सभी जानते हैं जरूरतों और आशा आकांक्षाओं में फर्क होता है। हिमाचल में पहले जो सरकारें रही और दिल्ली में भी जो लोग बैठे थे, वो आप लोगों की जरूरतों को पूरा करने में उदासीन रहे और आपकी आशा आकांक्षाओं तो वो कभी समझ ही नहीं पाए, उन्होंने कभी उसकी परवाह ही नहीं की। इसका बहुत बड़ा नुकसान ये मेरे हिमाचल ने उठाया है, यहां की युवा पीढ़ी ने उठाया है, यहां की माताओं बहनों ने उठाया है। लेकिन अब समय बदल गया है। हमारी सरकार न सिर्फ लोगों की जरूरतें पूरी कर रही है लेकिन जनता जनार्दन की आशाएं अपेक्षाएं उसे पूरा करने के लिए पूरी शक्ति से काम में जुट गई है। इसके लिए मुझे याद है हिमाचल का हाल क्या था, कहीं विकास का नाम नजर नहीं आता था। जैसा जब मैं यहां रहता था
चारों तरफ विश्वास की खाई, निराशा के पहाड़, आगे जा पाएंगे नहीं जाएंगे, विकास के अपेक्षाओं के बीच में बहुत बड़ी खाई, एक प्रकार से गड्ढे ही गड्ढे। उन्होंने कभी ये विकास की आवश्यकताओं के गड्ढे भरने के लिए सोचा नहीं, छोड़ दिया गया था। हमने उसको तो भरा, लेकिन अब मजबूती से नई इमारतें हिमाचल में हम बना रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिनों में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का दूसरा दौरा कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी समेत बीजेपी हाईकमान की हिमाचल में बढ़ती सक्रियता साफ इशारा कर रही है कि पार्टी पूरी मजबूती और ताकत के साथ चुनावी जंग लड़ेगी। इससे पहले आज पीएम मोदी ने ऊना रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और इसी के साथ आपको बता दें कि इस बीच पीएम मोदी ने मंच से कहा कि आज का नया भारत पुरानी सारी चुनौतियों पर तेजी से काम कर रहा है। जो सुविधाएं पिछले शताब्दी में ही लोगों तक पहुंच जानी चाहिए थी, वो अब लोगों तक पहुंच रही है। हम सिर्फ लोगों की 20वीं सदी की जरूरतें पूरी नहीं कर रहे, बल्कि 21वीं सदी की आधुनिक सुविधाएं भी हिमाचल की 20वीं सदी की जरूरतों जो है घर घर तक ले जा रहे हैं। इसलिए आज हिमाचल के विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं। आज एक तरफ जहां हिमाचल में दुगनी गति से ग्रामीण सड़कें बनाई जा रही है, वहीं तेजी से ग्राम पंचायतों तक कनेक्टिविटी भी पहुंचाई जा रही है। 40 साल पहले एक छोटी सी रेल लाइन पर दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने मोहर लगा दी, फाइनल बना दी और हस्ताक्षर जो है कर दिए। चुनाव आने पर लोगों की आंखों में धूल झोंककर वोट भी बटोर लिए।